एक्चुअली फिल्म का नाम है तुम, और म्यूजिक डायरेक्टर आपने देखे होंगे निखिल विनय जी, और लिरिक्स है समीर दा का। गाने का जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि एक पार्टी सॉन्ग है, पार्टी में आप लिरिक्स सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग गाया। इसका म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त बन पड़ा है, और ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये आशिकी के समय मैं जिस तरह के गाने गाया करते थे, ये उसी टाइप का मेलोडीज़ जो है उसी टाइप का है, और लोगों को बहुत पसंद आएगा। आई लाइक दैट सॉन्ग। इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम बन रहा, निखिल विनय आपके सामने काफ़ी नए हैं, किस तरह के नहीं, हमारे सामने नए नहीं हैं। निखिल विनय जी के साथ हमने पहले भी बहुत ज़बरदस्त काम किया था, एक टी सीरीज से भी हम लोगों ने पिक्चर में एक साथ काम किए थे। हमेशा से मुझे मालूम है कि निखिल विनय जो है ये दोनों बहुत ही मेलोडियस जो कंपोज करते हैं, और हमने इसके साथ कई गाने गा चुके हैं, और आज बहुत दिन बाद हम फिर से काम किया, और मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों का जो मेलोडी है वो बहुत ज़रूरी है आज के दौर पे, क्योंकि जो गाने रिलीज़ हो रहे हैं, मैक्सिमम गाने जो हो रहे हैं, मैक्सिमम गाने लोग भूल भी बहुत जल्दी रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाना भी हो रहा है, अब जल्दी भूल भी रहे हैं लोग। तो आई थिंक इस तरह की जो मेलोडी है ये इसकी ज़रूरत है अभी, और मैं चाहूँगा कि निखिल विनय जी इस तरह के गाने और बनाए, मुझे क्यों सारे सिंगर से गवाए, और इस तरह का मेलोडीज़ जो है हमें अभी बहुत ही ज़रूरत है इसकी। एज अ सिंगर कितनी होमवर्क करना पड़ता है, स्क्रिप्ट के बारे में कुछ जानकारी आप लेते हैं? नहीं, स्क्रिप्ट के बारे में नहीं जी, नहीं जी, नहीं, हम गाना गाने के लिए आते हैं, हमको स्टूडियो में जहाँ तक पता चलता है कि किस सिचुएशन पे गाना है और कौन सा मूड का गाना है, लिरिक्स ट्यून मैक्सिमम टाइम हमारा जो है स्टूडियो में आके पता चलता है। किस आर्टिस्ट पे पिक्चराइज करने वाला है वो कभी ध्यान में नहीं होता आपको? अभी तक तो मुझे मालूम नहीं है इस फिल्म का हीरो कौन है। अभी तक तो मैं ये जो गाना गाया ये आपने आपको हीरो बना के गा लिया। अभी आगे हीरो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। इस थोड़े टाइम पहले तक देखा गया था हर एल्बम में आपका क्लीन स्वीप हुआ करता था, अभी वो चीज कहीं ना कहीं कम हो गई, आप चूजी हो गए काम? डेफिनेटली मैं चूजी हो गया, और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गाना तो नहीं गा रहा हूँ, लेकिन टॉप 10 का अगर 10 गाना आप ले लेंगे तो उसमें कम से कम 4-5 गाना मेरा है आज भी। मैं चाहता हूँ कि गाना कम गाऊँ लेकिन जो अच्छे गाने हैं वो मुझे मिले, और वैसे ही हो रहा है। आप देख लीजिए कोई भी एक पिक्चर उठा के, उसमें जो बेहतरीन गाना होता है, जो पॉपुलर सॉन्ग होता है, उनमें देखना मेरा नाम ज़रूर आएगा। हालांकि मैं नंबर ऑफ सॉन्ग्स ज़्यादा नहीं गा रहा हूँ, बट आई डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि भाई क्वालिटी ऑफ सॉन्ग्स जो है वो मुझे मिल रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अच्छी तरह से गाने के लिए। आज जो गाना आप गा रहे हैं वो क्या चार्ट पे क्या नंबर पे रहेगा आपको लगता है? आई थिंक ये एक नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मेलोडियस गाना है और इसका लिरिक्स भी बहुत अच्छा है, आना चाहिए एक नंबर पे। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।